हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्री अपडेट्स के इस न्यू वीडियो में। दोस्त, इस वीडियो में बात करेंगे आईसीआर के फर्स्ट राउंड की कट ऑफ के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आज डेट है 30 नवंबर और आज से स्टार्ट है सेकंड राउंड की अलॉटमेंट। और सेकंड राउंड की अलॉटमेंट के बाद आपका वही प्रोसेस चलेगा जो फर्स्ट राउंड में अलॉट हुआ है। बहुत लोग को फर्स्ट राउंड में अलॉट नहीं हुआ है, बहुत अलॉट हुआ था जिन्होंने अपग्रेड किया था, तो उसके बाद सेम प्रोसेस वहीं चलेगा जो फर्स्ट राउंड में चला था। ठीक है, तो ये रही बात की बात। बट फिर मैं आपको पहले बता दूं, आपको हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं आईसीआर की फर्स्ट राउंड के अलॉटमेंट के बारे में, यानी कि किसको कितने रैंक पे किस कैटेगरी में कौन सा कोर्स अलॉट हुआ है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको बताऊंगा बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर के लिए कैटेगरी वाइज ओवरऑल रैंक के बेस पे क्या कट ऑफ रही है, तो उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मैं बता दूं, जनरल कैटेगरी में देखो, जनरल कैटेगरी जो सबको कॉलेज अलॉट हुई है, यानी कि जिनकी रैंक 5000 के अंडर में थी, तो उनको कॉलेज अलॉट हुई है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है कि अगर आपने मैक्सिमम नंबर ऑफ चॉइस फिलअप किया हुआ है, जितना ज़्यादा, देखो मैंने स्टार्टिंग से आपको बताया हुआ, जितने ज़्यादा आप चॉइस फिल करोगे उतना ही प्रॉफिट आपको होगा। ठीक है, तो प्रॉफिट कैसे होगा, क्योंकि लास्ट तक आते आते सीटें बची जाती हैं। ठीक है, बहुत लोग होते हैं जो खाना पूर्ति के लिए कल 5, 10, 20 चॉइस फिल कर देते हैं, बट अगर आपके मार्क्स कम है, ठीक है, कैटेगरी कोई भी हो, मार्क्स कम है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर चॉइस फिलअप करो, 90% चांस आपके बढ़ जाते हैं कि आपको कोई ना कोई कॉलेज लास्ट तक अलॉट हो जाए। ठीक है, तो अब तो देखो मौका नहीं है चॉइस फिलअप करने के लिए, लेकिन फिर भी मैं एक सजेशन दूंगा आप लोग को, अगर आपको कॉलेज अलॉट नहीं हुई सेकेंड राउंड में, थर्ड राउंड में, कोई दिक्कत नहीं, मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट करना, फिर से चॉइस फिलअप करना, और उस बार सीट मैट्रिक्स रिलीज की जाती है, सीट मैट्रिक्स को आप लोग अच्छे से देख लेना किस कॉलेज में कितनी सीटें बची हुई हैं। देखो मैं आपको एक बता रहा हूँ उपाय, ठीक है, जिसको कॉलेज अलॉट नहीं उनके लिए लास्ट में मॉपअप राउंड होता है, आप लोग वहाँ पे देख लेना किस कॉलेज में, या फिर अगर आपको आपके मैन पसंद कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ, आप अपने कॉलेज सेटिस्फाई नहीं हो, तो लास्ट में जब आप देख लेना सीट मैट्रिक्स, वहाँ पे सीटें डिवाइड रहती हैं, बची रहती हैं कैटेगरी वाइज, तो उसको चेक करना आप, तो देख लेना, उस बेस पे आप फिर से मैक्सिमम नंबर ऑफ चॉइस फिलअप कर सकते हो। ठीक है, ये आप मॉपअप राउंड में कर सकते हो, लेकिन फिलहाल हम बात करेंगे अभी केवल कट ऑफ की, फर्स्ट राउंड की अलॉटमेंट की। तो EWS कैटेगरी की जो कट ऑफ रही है वो रही है 5K to 6K, यानी कि EWS कैटेगरी में जिनों जो स्टूडेंट थे 5000 से 6000 इनकी कट ऑफ थी, उनको सभी को कॉलेज अलॉट हुआ है और कोई ना कोई कॉलेज अलॉट हो गया। OBC में भी 5000 से 6000 रैंक तक के अगर उन्होंने मैक्सिमम नंबर ऑफ चॉइस फिलअप किया हुआ है तो अलॉट हो चुका है। नेक्स्ट बात करें हम अगर SC ST की, ठीक है, तो SC ST में यहाँ तक हुआ है कि 10000 रैंक, यानी 9686 रैंक तक PDKV अकोला में है। ठीक है, पंजाब राव देशमुख कृषि विश्वविद्यालय ऐसा करके है अकोला महाराष्ट्र में, तो वहाँ पे SC कैटेगरी में 9000 रैंक तक कॉलेज अलॉट हुई, बिकॉज उस बंदे ने मैक्सिमम नंबर ऑफ चॉइस फिलअप किया और 56 नंबर की चॉइस उसको अलॉट हुई है। ठीक है, 56 नंबर पर उन्होंने PDKV फिलअप किया हुआ तो उसको अलॉट हुई है। और ST कैटेगरी में 10000 से 12000 ये ओवरऑल रैंक है, लेकिन कैटेगरी रैंक की बात करें तो उनकी कैटेगरी रैंक 400 से 450 के बीच में, तो उन सभी बंदों को कॉलेज अलॉट हुई है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम UPS कैटेगरी। आई थिंक आपको UPS कैटेगरी के बारे में नहीं पता होगा, ये वो कैटेगरी है अंडर प्रिविलेज स्टेट, यानी कि उस स्टेट के बच्चे जहाँ पे कोई भी स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी नहीं हो। ठीक है, ऐसे बहुत सारे स्टेट हैं इंडिया में जहाँ पे कोई भी स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी नहीं है, लाइक आप नॉर्थ ईस्ट की बात कर लो, मेघालय में आपको सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी मिल जाएगा, बट मिजोरम, नागालैंड, ये सब कुछ कॉलेज हैं जहाँ पे स्टेट एग्रीकल्चर ICAR के अंडर में कोई भी यूनिवर्सिटी नहीं है, तो उन सभी स्टेट के कैंडिडेट्स को यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंसेशन मिलती है। कंसेशन आपको मार्क्स मिलते हैं, ठीक है, अगर आपके मार्क्स 10, 20, 50, 100 जो भी हों तो आप UPS कैटेगरी में हो तो आप सिलेक्ट हो जाओगे, अगर आपने मैक्सिमम नंबर ऑफ चॉइस फिलअप किया है। वो सभी कैंडिडेट्स जो मैक्सिमम नंबर ऑफ चॉइस फिलअप किए हैं UPS कैटेगरी के, उन सभी कॉलेज अलॉट हो गई होगी। ठीक है, ऐसे मिलते नहीं कैंडिडेट्स, बट फिर भी जो भी हैं उनको मिल जाएगी। और फिजिकली हैंडीकैप्ट की बात करें तो फिजिकली हैंडीकैप्ट में फर्स्ट, यानी कि यहाँ पे बच्चे बहुत कम मिलते हैं, बट फिर भी यहाँ पे अगर आपके मार्क्स, इस कैटेगरी में मार्क्स में बात करेंगे, ओवरऑल रैंक यहाँ पे बहुत अधिक चली जाती है, ओवरऑल रैंक कम से कम 1,80,000-90,000 चली जाती है, तो उससे मतलब नहीं है। PH कैटेगरी में आपको अपने मार्क्स से मतलब है, आपके मार्क्स 100 से 200 के बीच में या फिर 200 प्लस हैं तो आप जरूर, आपको कोई ना कोई कॉलेज अलॉट हो गया होगा। ठीक है, नहीं अलॉट हुआ है तो हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, ठीक है, सेकंड राउंड में अलॉट हो जाएगी। नेक्स्ट बात करें BSC हॉर्टिकल्चर की, ठीक है, तो BSC हॉर्टिकल्चर में एक्चुअल में हुआ क्या है कि यहाँ पे कैटेगरी रैंक आपकी ओवरऑल रैंक के बेस पे दी गई जो कैटेगरी है वो। ठीक है, तो यहाँ पे जनरल और EWS OBC का सब कुछ फेस टू फेस, यानी कि एग्रीकल्चर के सेम ही है, बिकॉज सेम सीटें रहती हैं, सीटें कम रहती हैं एग्रीकल्चर से, बट
कट ऑफ यहाँ पे थोड़ी इसकी हाई जाती है। वैसे भी इस बार कट ऑफ थोड़ी लो गई है, लेकिन अगर कोर्स वाइज बात करें तो कट ऑफ हाई गई है। ठीक है, अगर जिसको कॉलेज, देखो बहुत सारे ऐसे बंदे आपको मिलेंगे, मेरी बात को ध्यान सुनना आप लोग, बहुत सारे ऐसे बंदे मिलेंगे जिनको 340 नंबर पे ओबीसी में कॉलेज अलॉट हो गई है, बट ओबीसी में ही 370 नंबर पे कॉलेज अलॉट नहीं हुई है, बिकॉज उन्होंने चॉइस फिलअप अच्छे से नहीं किया हुआ है। अगर आपके मार्क्स कम हैं तो आप उस कॉलेज को चॉइस फिलअप करो पहले जो कॉलेज आपको मिल जाए। ठीक है, अपने रैंक के बेस पे चॉइस फिलअप कर सकते हो, मैक्सिमम नंबर आप चॉइस फिलअप कर सकते हो। ठीक है, तो ये सब कुछ आपको चॉइस फिलअप पे डिपेंड करता है। मैंने स्टार्टिंग से जो मुझसे एड है मैंने उनको बताया हुआ है कि आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सको उतने ज़्यादा चॉइस फिलअप करो। आई थिंक आपको मौका मिले तो आप 100 प्लस चॉइस भी कर सकते हो। ठीक है, तो आइए बात करते हैं जनरल कैटेगरी की। बीएससी हॉर्टिकल्चर में 5000 से 6000 रैंक तक ओवरऑल मिल गई थी, AWS में अंडर 6000 रैंक पे मिली हुई है, फिलहाल मिली हुई है, मैं मिल गई थी नहीं मिली हुई है, अभी चल रहा है यहाँ पे प्रोसेस, एडमिशन का अलॉटमेंट लेटर आ चुके हैं फर्स्ट राउंड के। ठीक है, ओबीसी में भी 5000 से 6000 रैंक तक हॉर्टिकल्चर मिला हो, लेकिन ये फुल्ली डिपेंड है आपके मैक्सिमम नंबर ऑफ चॉइस पे। ठीक है, देखो कितने भी कम मार्क्स हैं आपको कोई ना कॉलेज मिल जाएगा, लेकिन आपके पास अगर अपना माइंड यूज करते हो तो, माइंड कैसे यूज करना, माइंड आपको चॉइस फिलअप में यूज करनी है। ठीक है, अब मौका नहीं मिल पाएगा, लेकिन नेक्स्ट ईयर अगर जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर वो वीडियो देख रहे हो तो वो फिर से मेरी बातों को सुन ले, पूरी तरीके से चॉइस पे डिपेंड करता है आपको कॉलेज अलॉटमेंट। ठीक है, हम बात कर लेते हैं एससी कैटेगरी में, हॉर्टिकल्चर में, तो यहाँ पे 10000 से लेकर 15000 यानी कि 500 से 600 रैंक बीच में कैटेगरी रैंक में अलॉट हुई है कॉलेज। एसटी में 10000 से लेकर 15000 तक ओवरऑल रैंक पे अलॉट हुई है कॉलेज, और यूपीएस कैटेगरी में अगर आपके मार्क्स 100 से 150 के बीच में हैं तो आपको कैटेगरी यूपीएस कैटेगरी में कॉलेज अलॉट हो चुके हैं। नेक्स्ट हम बात करें पीएच कैटेगरी, जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है, तो मैक्सिमम नंबर आप स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं हॉर्टिकल्चर में, बट फिर भी है बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं लेकिन वो कॉलेज को अपग्रेड कर दे रहे हैं, उनको एग्रीकल्चर चाहिए तो सेकेंड राउंड थर्ड राउंड तक वेट करें, जो थोड़ा माइंड यूज कर रहे हैं वो उस कॉलेज को एक्सेप्ट कर रहे हैं, बिकॉज पता है क्योंकि पीएच की सीटें कम होती हैं, यूपीएस की सीटें कम होती हैं, तो वो डायरेक्ट अपग्रेड कर देते हैं। अपग्रेड आपको सोच समझ के करना, अगर आपको वहाँ पे सीटें नहीं बची हैं तो आपको एग्रीकल्चर नहीं मिल पाएगा, फिर से आप अपना टाइम वेस्ट करोगे उसमें। सो फर्स्ट राउंड में ही एक्सेप्ट कर लो, चलो ठीक है फर्स्ट राउंड में एक्सेप्ट नहीं किया है, सेकेंड राउंड में मिलेगा तो एक्सेप्ट उसको, सीट को कर लेना। ठीक है, क्योंकि थर्ड राउंड तक सीटें बचती नहीं है। नेक्स्ट बात करें टेक्निकल कोर्सेज की, लाइक बीटेक हो गया, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग हो गई, बायोटेक हो गया, जो बायोटेक में पीसीएम और मैथ और बायो दोनों एलिजिबल हैं। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि केवल पीसीएम वाले केवल बायो वाले। ठीक है, फूड टेक्नोलॉजी हुई है, डेयरी टेक्नोलॉजी हुई है, इन सभी में कैटेगरी वाइज कट ऑफ की बात करेंगे, ओवरऑल रैंक के बेस पे कट ऑफ यहाँ पे डिक्लेयर किया गया। ठीक है, तो जनरल कैटेगरी में जो ओवरऑल रैंक रही है वो रही है 10K to 20K, यानी कि 10000 से लेकर 20000 रैंक तक। देखो आप लोग को लग रहा होगा ये बहुत ज़्यादा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मैं बात करूँ डेयरी टेक्नोलॉजी की, तो एनडीआरआई मेरी बातों को ध्यान सुनना, ओबीसी कैटेगरी में 9000 रैंक पे कॉलेज अलॉट हुई है, बिकॉज उन्होंने चॉइस फिलअप अच्छे से किया हुआ है। इसलिए ये सब कुछ फुली डिपेंड करता है आपके नंबर ऑफ चॉइस पे है। ठीक है, तो रैंक कितनी भी आपकी रहे, लेकिन अगर आपने चॉइस फिलअप किया हुआ अच्छे से, देखो ऐसे बंदे मेरे कॉन्टैक्ट में हैं जो 415 नंबर पाकर भी उनको भी कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, बिकॉज उन्होंने केवल 6 टॉप के 6 BHU, CSU, पंतनगर और जो कुछ टॉप के कॉलेज हैं, लाइक एक उन्होंने भासी को भी उसमें फिलअप किया हुआ है, तो इन सभी केवल 6 कॉलेज पे उन्होंने चॉइस फिलअप किया हुआ है, लेकिन उनमें से इनको कोई नहीं मिला है। बिकॉज इसलिए मैंने बताया था कि आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा चॉइस फिलअप करोगे उतना ही प्रॉफिट आपको रहेगा। चलो ठीक है, फर्स्ट राउंड में आपको आपके सेटिस्फेक्शन वाली कॉलेज अलॉट नहीं हुई तो सेकेंड राउंड में वो हो सकती है, अगर सीट खाली रही आपकी कैटेगरी में। तो EWS कैटेगरी की बात करें तो EWS कैटेगरी की कट ऑफ गई है 10000 से लेकर 30000 तक ओवरऑल रैंक रही है जिनकी, उनको कॉलेज अलॉट हुई है फर्स्ट राउंड में। OBC कैटेगरी में 10000 से लेकर 30000 तक, यहाँ भी सब कुछ आपके चॉइस पर डिपेंड करता है, मैं पहले ही बता चुका हूँ। SC कैटेगरी में शेड्यूल कॉस्ट की बात करें तो 40000 के अंडर में जिनकी रैंक थी, अगर उनको टेक्निकल कोर्सेज लाइक बीटेक AG चाहिए तो उनको अलॉट हुई है। ST कैटेगरी की बात करें तो इसमें आई थिंक 40000 से लेकर 45000 तक के बच्चों को कॉलेज अलॉट हुई है। ये सब कुछ आपके चॉइस पर डिपेंड करता है, चाहे कॉलेज कैसा भी हो, लेकिन कॉलेज तो ICR के अंडर में आ रही है तो वहाँ पे उनकी काउंटिंग हो जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं UPS की, तो UPS कैटेगरी में नॉर्मली मोस्टली स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं, जितने स्टूडेंट जिनको चाहिए था टेक्निकल कोर्सेज तो उनको वो चीज़ें अलॉट हो चुकी हैं। दोस्तों हम बात करें फिजिकली हैंडीकैप्ड की, तो देखो फिजिकली हैंडीकैप्ड में बहुत कम ही बच्चे हैं जिनको
बहुत कम ऐसे लोग फिजिकली हैंडीकैप जिन्होंने आई सी आर का फॉर्म फिलअप किया हुआ है इस बार, तो उनको कॉलेज अलाट, सभी को कॉलेज अलाट हो चुकी है। बट फिर भी अगर आप अपने ब्रांच से सेटिस्फाई नहीं है, बहुत हैं जिन्होंने उसको अपग्रेड किया हुआ है, बहुत हैं जिन्होंने उसको एक्सेप्ट कर लिया है, तो फिजिकली हैंडीकैप में कोई मार्क्स नहीं, अगर आपने फॉर्म भी फिलअप किया हुआ है तो आपको अलाट हो गई है। सो दोस्त ये कट ऑफ मैं बता रहा हूँ। और कुछ कोर्स हैं लाइक बीएससी फॉरेस्ट्री है, बीएससी सेरिकल्चर है, बीएससी फिशरीज है, तो ये पूरी कट ऑफ बीएससी हॉर्टिकल्चर के सेम है। बीएससी अगर हम बात करें फॉरेस्ट्री की, तो वहाँ भी 5000 से 6000 रैंक तक जनरल में कॉलेज अलाट हुई है। ईडब्ल्यूएस में आपकी भी 6000 से प्लस थोड़े मार्क्स ज़्यादा हैं, थोड़े आपके रैंक कम है, तो भी आपको कॉलेज अलाट हो चुकी है। ओबीसी में सब कुछ सेम है, एससी कैटेगरी में वहीं सब चलेगा, लेकिन जो मेन है वो है आपके टेक्निकल कोर्सेज। टेक्निकल कोर्सेज में बहुत सारे कोर्सेज आते हैं, बीटेक, एजी इंजीनियरिंग, बायोटेक, फूड टेक, डेयरी टेक, तो इन सब में कुछ ना कुछ कॉलेज अलॉट हुआ है। तो ये कॉलेज उन सभी अलॉट हुए जिन्होंने मैक्सिमम नंबर चॉइस फिलअप किया। जिस कॉलेज में फूड टेक का कोर्स चल रहा है, अगर आपने उस कॉलेज आपने रैंक के बेस पर देखा है तो कॉलेज आपको अलॉट हुई है। चलो ठीक है, अलॉट नहीं हुई है तो फिर भी आपको अगर सेकेंड थर्ड राउंड तक सीटें बची रहती हैं तो आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगी। सो दोस्त ये रही कट ऑफ, बट आपको इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन दे दूँ, अभी सीटें बहुत कैटेगरी में बहुत सारी बची हुई हैं, तो आप वहाँ पे उसको मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट करके वो सीट अचीव कर सकते हो। सो दोस्त ये रही वीडियो, और आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी। वीडियो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, और जो भी आपके प्रॉब्लम्स हो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और सेकेंड राउंड की अलॉटमेंट की जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन आती मैं आपको अपडेट कर दूंगा। सो बी ट्यून्ड फॉर एग्री अपडेट्स, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।